नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक है श्री कृष्णा प्राइवेट आईटीआई, झालावाड़ जिले की डिजिटल क्लासरूम वाली एकमात्र आईटीआई। खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सरकार भी अब कर रही है किसानों के साथ खिलवाड़, राज्य सरकार ने फिर से चने की खरीद अग्रिम आदेशों तक की बंद। भवानी मंडी में होटल विकास के अध्यक्ष बनने पर युवा विकास समिति ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने डग विधानसभा के उनेल में जनसंवाद कार्यक्रम में लिया भाग, करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने आज दोपहर बाद झालावाड़ जिले के डग विधानसभा क्षेत्र के उनेल नागेश्वर में जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया और क्षेत्र में विकास के करोड़ों रुपए की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनसंवाद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की मेघावी छात्रियों को स्कूटियां वितरित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वित लोगों से मुलाकात भी की। क्षेत्र के दूर दराज से आए लोगों से जन सुनवाई भी की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिले में भी काफी विकास हुआ है। जनसंवाद कार्यक्रम अभी जारी है। जनसंवाद कार्यक्रम में डग विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रही है। मुख्यमंत्री ने उन्हेल के सुप्रसिद्ध जैन मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री आज सुबह दिल्ली से विशेष विमान से झालावाड़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी पर पहुंची, जहां उनका भाजपा नेताओं, कार्यकर्ता और जिला प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हवाई पट्टी पर ही उन्होंने नेताओं और अधिकारियों से जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी ली और उनसे मिलने आए लोगों से मुलाकात भी की। उनके साथ उनके पुत्र झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह भी रहे मौजूद। कई भाजपा के आला नेता इस जनसंवाद में नजर आए। इस जनसंवाद कार्यक्रम में डग विधायक रामचंद्र सुनारीवाल ने चल रहे कई विकास कार्यों को लेकर अवगत कराया। वहीं भवानी मंडी के सभी भाजपा नेता रहे मौजूद। सभी लोगों से निवेदन है, शीघ्र प्रधान न्यायाधीश करें, व्यवस्था अपनी है, व्यवस्था बनो। जनों से निवेदन है, शीघ्र प्रधान न्यायाधीश करें। दो अध्यक्ष से निवेदन है, माननीय राकेश जी गुप्ता। यहाँ पे आओगे तो शॉर्ट के आप उधर की साइड आ जाओगे महारानी साहब का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो। महारानी साहब का इकबाल बुलंद हो, महारानी साहब का इकबाल बुलंद हो। पैसे नहीं मिले।
ये वाली बात मत करो।
सरकार भी अब किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर 12 जून तक सरकार ने चने की खरीदी की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देशों के बाद 14 जून से चने की खरीद सरकार ने फिर से खरीद शुरू की, लेकिन 15 जून से राज्य सरकार ने फिर से चने की खरीद अग्रिम आदेशों तक बंद कर दी। अचानक चने की खरीद बंद किए जाने से सोमवार को एक दर्जन से अधिक किसान सैकड़ों क्विंटल चना लेकर तुलवाने पहुंचे, लेकिन भवानी मंडी में खरीद केंद्र बंद होने की वजह से किसान चने का ढेर कर परेशान होते रहे। किसान नरपुरा निवासी जानकी लाल 20 क्विंटल, सेमला निवासी सुभाष चंद्र 25 क्विंटल, लाल गांव निवासी गोपाल नागर व कमलीबाई 25-25 क्विंटल, गंगाराम 42 क्विंटल, मनोहर लाल नागर 40 क्विंटल, सामिया निवासी जगदीश चंद्र 20 क्विंटल, भूरीबाई 61 क्विंटल, सोलिया निवासी राजेंद्र कुमार, राजपुर निवासी प्रहलाद सिंह और भवानी शंकर 20-20 क्विंटल चना लेकर पहुंचे। किसानों का कहना था कि राजफेड की ओर से 15 जून को मोबाइल पर मैसेज आया था, जिसके चलते सभी सोमवार को चना तुलाई को लेकर पहुंचे, लेकिन यहां ढेर करने के बाद जानकारी मिली कि खरीद केंद्र 15 जून से ही बंद हो गया, जिसके चलते सभी किसान परेशान रहे। बंद हुआ केंद्र शुरू होगा और या नहीं, अब किसान केंद्र पर ही अपने चने के ढेरों के पास बैठकर सरकार के अगले निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सोमवार को ही क्षेत्र में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आने की वजह से सभी प्रशासनिक अधिकारी शहर में नहीं है, जिससे किसानों को सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भवानी मंडी श्री माहेश्वरी सेवा मंडल द्वारा 19 जून से 21 जून तक महेश नवमी महोत्सव माहेश्वरी धर्मशाला पर मनाया जाएगा। समाज के अध्यक्ष महेश जवर व महिला अध्यक्ष सावित्री भूटरा ने बताया कि 19 जून को चित्र बनाओ रंग भरो प्रतियोगिता, निबंध व सहेली सजाओ प्रतियोगिता, 20 जून को सलाद सजाओ, चॉकलेट बनाओ, मांगलिक वस्तुओं से ज्वेलरी बनाओ, वाद विवाद प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़, मांडना, चाय पत्ती व शक्कर से रंगोली एक मिनट प्रतियोगिता होगी। 21 जून को योग दिवस पर योग शिविर, भगवान महेश का अभिषेक, गुलाब शरबत का वितरण किया जाएगा, जिसके बाद शाम 4 बजे से भगवान महेश की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समाप्ति पर महाआरती का आयोजन भी होगा।
होटल व्यवसाय के अध्यक्ष पद का हुआ गठन, होटल व्यवसाय की सहमति से मनाया गया मयूर यादव को अध्यक्ष। मयूर यादव को होटल व्यापारियों ने दी बधाई। वहीं युवा विकास समिति के सदस्य होने के चलते युवा विकास समिति के सदस्यों पर मयूर यादव को माला पहनाकर किया स्वागत। युवा विकास समिति के अंग रक्षक प्रताप सिंह झाला और समीर खान छोटू बना मुकेश प्रजापति समीर के अध्यक्ष संदीप प्रजापति ने युवा विकास समिति की ओर से होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने को लेकर इनके भविष्य की कामना की। युवा विकास समिति के उपाध्यक्ष लोकेश मकवाना ने दी जानकारी। भवानी मंडी जिला कांग्रेस एससी विभाग द्वारा संविधान में स्वाभिमान कार्यकर्ता सम्मेलन 20 जून को गणेश मंदिर में आयोजित होगा। प्रकोष्ठ के कोटा संभाग उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर ठेकेदार व चेतराम गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रकोष्ठ के राजस्थान प्रभारी रविंद्र दलवी होंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राम मेघवाल अध्यक्षता करेंगे। झालावाड़ कांग्रेस प्रभारी पंकज मेहता, संभाग प्रभारी राकेश बाय, जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा, पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा आदि विशिष्ट अतिथि होंगे। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे श्री कृष्णा प्राइवेट आईटीआई झालावाड़ जिले की डीजल क्लास वाली रूम वाली मात्र एक आईटीआई। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार।